उत्तराखंड में भाजपा की बगावत कम होने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा के अंदर एक और लेटर बम निकला है। भाजपा नेता इंदुबाला पर पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप है। हालांकि इंदुबाला ने कहा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। रायपुर से विधायक उमेश शर्मा काऊ के इस लेटर बम से उत्तराखंड की सियासत में सुनामी आ गई है। उमेश शर्मा काऊ का आरोप है कि बीजेपी के नेता इंदुबाला ने पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसकी शिकायत उन्होंने संगठन के सबसे बड़े नेता से की है। मेरे परिवार का मामला है, मैं तो एक छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ अपनी पार्टी का। वो पार्टी में अगर कोई बात किसी को बुरी लगी, अगर उसने कहा किसी ने भी, तो हमने उसको सही फोरम पे पहुंचाने का काम किया, तो पार्टी अपने आप उस पर निर्णय। ये पूरा मामला बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर का बताया जा रहा है। आरोप है कि इसी दौरान इंदुबाला ने केदारनाथ में आई आपदा को लेकर विजय बहुगुणा के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया। हालांकि इंदुबाला की दलील है कि उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही। मैंने कहा है कि जो वहाँ दबे हुए हैं वो उन लोगों से सवाल करेंगे। इस प्रकार की बातों में लच्छेदार बातें मिलाकर जिस प्रकार प्रस्तुतिकरण किया गया वो बेहद खेद। उमेश शर्मा काऊ का लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो खलबली मच गई। बीजेपी की घर की लड़ाई अब सियासी गलियारों में पहुँच गई है। गोपनीय लेटर है, मैंने जहाँ भी दिया गोपनीय है वो, और अगर वहाँ से कहीं लीक हुआ तो गंभीर विषय। कम से कम पत्र देने से, वायरल करने से पहले मेरे से पूछा होता तो वो भी उसी पार्टी के सिपाही हैं, मैं भी उसी पार्टी के सिपाही हूँ, मैं उनको बिल्कुल साफ गोई से बिल्कुल सच बात बताती। उमेश शर्मा सफाई दे रहे हैं कि ये लेटर उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल नहीं किया, मगर बड़ा सवाल ये है कि जब उनका पत्र गोपनीय था तो फिर वो बाहर कैसे आ गया। बीजेपी के घर के इस झगड़े पर कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस का कहना है कि बगावत करने वाले नेता बीजेपी में जाकर बेचैन हैं। करनी होती है वो करना पड़ता है। यहाँ सब शीर्ष के नेता थे और उल्टी सुलटी काम करने और करवाने में माहिर थे, अब वहाँ तड़फड़ा रहे हैं। मगर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, राजनीति को राजनीतिक तौर पर ही, स्वाभाविक तौर पर ही चलने देना चाहिए। संरक्षण के थोड़ी वो टिप्पणी हो सकती है, किसी ना किसी का संरक्षण होगा, किसी ना किसी का इशारा होगा, तभी इतनी जबरदस्त टिप्पणी हुई है। और उनकी हैसियत जो है, मैं समझता हूँ इतनी बड़ी टिप्पणी करने की नहीं है। उत्तराखंड में बीजेपी संगठन से लेकर सरकार तक में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कभी मंत्री सरकार की शिकायत करते हैं तो कभी विधायक अपनी ही पार्टी के नेताओं पर सवाल उठाते हैं। ये मामला ऐसे समय में उठ रहा है जब विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंथुरा की रिपोर्ट।